गुड इवनिंग गाइस गाइस मैं अपना एक नया इनिशिएटिव लेके आई हूँ कि मैंने आपको जैसे ही बताया था कि करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, 60% वेटेज होता है करंट अफेयर्स। मतलब यूपीएससी में तो होता ही होता है, चाहे स्टेट पीसीएस में ना हो। सो मेरा करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, तो इसलिए मैंने आज से डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं। विजन आईएएस का ही मैं रेफ़र करूँगी डेली करंट अफेयर्स। इसमें सिर्फ 2 पेजेस हैं और मैं 7-8 न्यूज़ इसमें कवर हो जाएगा कि डेली की, और उसके बाद हम एक बार मंथली मैगजीन भी जब कवर कर लेंगे तो वो आपका फिर अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर आप पढ़ोगे वही मैगजीन में सारा जिस्ट होके आ जाएंगे, ठीक है? तो वो एक तरह की आपकी रिविज़न हो जाएगी। तो गाइज़ हम आज से 8 जुलाई से डेली करंट अफेयर्स करेंगे विजन के। मेरी मैगजीन आपके पास आएगी, सॉरी वीडियो हमेशा आएगी, आप देखते रहना, ठीक है? चलो फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर इवेल्यूएशन ऑफ नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सेंटर ने रिलीज़ करी है गाइडलाइंस आफ्टर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद सेंटर ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी है। क्या रिलीज़ करी है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रिसर्चर्स की हेल्प करेंगे ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट कर सकें जो एग्रीकल्चर में काम आ सके और ह्यूमन कंजप्शन में। हम रेगुलेटर्स की हेल्प करेंगे ताकि हम क्वालिटी और नैनो बेस्ड एग्रीकल्चर की सेफ्टी को एश्योर कर सकें, और फूड प्रोडक्ट्स में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। एनकरेज करेंगे इंडियन के इनोवेटर्स को और इंडस्ट्रीज़ को ताकि हम नैनो बेस्ड फॉर्मूलेशन और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करें। गाइस समझ में आ गया, हम क्या चाह रहे हैं कि हम अपना जो एग्रीकल्चर इनपुट है जिसमें हम इतना केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स इतना सब ऐड करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो हम क्या चाहते हैं केमिकल्स को रिप्लेस करते थे नैनो मटेरियल से। नैनो मटेरियल्स ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं करते एनवायरनमेंट को, ठीक है, और उसका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम नैनो मटेरियल टेक्नोलॉजी को लेके आएं। अब गाइडलाइंस में क्या है, फीचर्स देख लेते हैं। इसमें नैनो मटेरियल को डिफ़ाइन किया है नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट, मतलब कि जब हम एग्रीकल्चर मतलब कि क्रॉप फसल बोएंगे तब हम इनपुट में क्या देंगे, नैनो मटेरियल देंगे। नैनो एग्री प्रोडक्ट्स, अब जब हम क्रॉप फसल उग जाएगी तब हम तो वो प्रोडक्ट की तरह बन जाएगी, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, नैनो एग्री प्रोडक्ट। इन सबको डिफाइन किया है। आप देखो नैनो मटेरियल वो मटेरियल होती हैं जिनका साइज़ 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। दैट इसमें इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ और फिनोमिना बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ डायमेंशन इवन इफ दिस डायमेंशन फॉल आउटसाइड द नैनो स्केल रेंज अप टू 1000 नैनोमीटर। नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर इनपुट प्रिपरेशन, मतलब कि जब हम इनपुट दे रहे हैं नैनो मटेरियल में, कंटेन नैनो मटेरियल्स इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन क्रॉप फॉर पर्पस ऑफ फार्मिंग। समझ में आ गया, नैनो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, एग्रीकल्चर प्रिपरेशन कंटेनिंग नैनो मटेरियल्स इंटेंडेड फॉर कंजप्शन और एप्लीकेशन इन फूड एंड देयर सप्लीमेंट एज वेल एज न्यूट्राक्यूटिकल डिलीवरी। अब जो ये रेगुलेशन है इन प्रोडक्ट्स का, ये अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और FSSAI की गाइडलाइंस में होगा। प्रेजेंटली देर आर नो स्पेसिफिक प्रोविजन टू डील विद सच प्रोडक्ट। सेफ कार्ड प्रोवाइड करेगा, हम इंश्योर रहेंगे ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी का, एनवायरनमेंट सेफ्टी का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का, वेस्ट डिस्पोजल का। दे डू नॉट अप्लाई टू द कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स फॉर फॉर्मुलेशन विद इंसिडेंटल प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल नैनो मटेरियल। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि केमिकल जो होते हैं वो बहुत बल्क में पड़ा जाता है, तो नैनो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कम होगा, जिस वजह से हम न्यूट्रिएंट रन ऑफ जो ग्राउंड वाटर में जाता है वो रिड्यूस होगा, एंड वी कैन एबल टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्लांट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्रॉप प्रोटेक्शन बेटर होगा, एंड मीटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो हम ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिस वजह से हम अपनी एक जो फूड सिक्योरिटी का जो गोल है उसे भी हम अचीव कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि हम अपने एग्रीकल्चर के इनपुट में, क्रॉप्स में हम क्या नैनो मटेरियल का यूज़ करेंगे जिससे हमें अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले, एनवायरनमेंट अच्छा मिले, और ये खाने में भी सेफ्टी रहे, एंश्योर ह्यूमन सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड ऑल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिलीजेस न्यू गाइडलाइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जो गाइडलाइंस इशू करी है वो अंडर फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को लास्ट मंथ लाया गया था जिसमें
एग्रीमेंट है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा और उनको एम्पावर करेगा कि आप किसी भी होलसेलर, एक्सपोर्टर या लार्ज रिटेलर्स के साथ एंगेज हो सको। हम क्या चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ईजी करें, जहाँ पे जो प्राइवेट बायर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो फार्मर से क्रॉप खरीदेगा। पहले क्या होता है, जब सीज़न शुरुआत होता है, जो प्राइवेट प्लेयर है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हारी फसल लूँगा, ठीक है। अब ट्रांसफरिंग रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रडिक्टेबिलिटी फ्रॉम फार्मर टू कॉरपोरेट सेंसर। लेकिन अगर इस बीच उसकी फसल को नुकसान हो जाए तो ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बाद में वो तोड़ दे। अब जब उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जितना भी रिस्क होगा मार्केट की अनप्रडिक्टेबिलिटी का, वो फार्मर से किस पर चला जाएगा, उस स्पॉन्सर पर चला जाएगा। गाइडलाइंस क्या है, कोई भी वर्बल एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, रिटर्न में ही इसको माना जाएगा। फार्मिंग एग्रीमेंट शुड बी ऑफ मिनिमम ऑफ वन क्रॉप सीजन टू अ मैक्सिमम 5 years। एग्रीमेंट शुड क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ फार्मिंग, साइज ऑफ लैंड एरिया, एड्रेस ऑफ द फार्मर, सब कुछ इसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या है। एग्रीमेंट कैन बी फार्मर हैविंग लैंड टाइटल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो शेयर क्रॉपर। स्पॉन्सर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ड्यू टू द इनपुट सप्लाई थ्रू द फार्मर। फार्मर्स कैन नॉट यूज द इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर फॉर एनीथिंग अदर देन ग्रोइंग द प्रोड्यूस एग्रीड अपॉन। स्पॉन्सर इज नॉट परमिटेड टू गेन और इन्जॉय ओनरशिप राइट। स्पॉन्सर को कोई नहीं है कि भी आप जो किसान हैं उसकी ज़मीन पर कोई ओनरशिप राइट, वो कोई नहीं इन्जॉय करने को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल ये है कि कोई वर्बल एग्रीमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, रिटर्न में होना चाहिए। जो फार्मर एग्रीमेंट है वो मिनिमम एक क्रॉपिंग सीजन का होना चाहिए और मैक्सिमम 5 साल का हो सकता है। एग्रीमेंट में क्लियर इंडिकेट होगा किस टाइप की फार्मिंग है, लैंड एरिया कितने साइज़ का है और फार्मर का एड्रेस होगा। फार्मर एग्रीमेंट कैन बी विद फार्मर, किसी फार्मर के साथ एग्रीमेंट हो सकता है या किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है या किसी शेयर क्रॉपर के साथ हो सकता है। जो स्पॉन्सर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी लॉस या डैमेज का, ठीक है। तो ये सब है, होप्स आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, सेंटर्स ओवर रिलायंस ऑन सेसिस सर चार्जेस पुट स्टेट फाइनेंसिस एट रिस्क। अब सेंटर ने क्या किया है, जो स्टेट्स टैक्स कमाती हैं उस पर सेस और सरचार्ज लगा गया है, जिस वजह जो स्टेट के पास जो टैक्स इकट्ठा होगा, रेवेन्यू होगा, वो क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जो स्टेट का फाइनेंस है वो किस पे आ जाएगा, रिस्क पे आ जाएगा। तो यही बात करी है, शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। अब जो शेयर है स्टेट्स का टैक्सेस से इकट्ठा करने के बाद, वो कितना फैल हो गया, जो 36.6% हुआ था वो अब कितना हो गया, 32.4%। जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में बोला था कि हमें 42% शेयर करना है स्टेट को, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 270 अलाउ करता है एक सेंटर को कि वो स्टेट से सेस और सरचार्ज इकट्ठा कर सकता है। वाइल सेस क्या होता है, देखो जो सरचार्ज होता है वो तो टैक्स पे टैक्स लगता है, जो सेस होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लगता है और कुछ दिन बाद जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो हट जाता है। दोनों जो होते हैं सेस और सरचार्जेस, वो टेम्परेरी होते हैं नेचर में। जैसे स्वच्छ भारत सेस टू फाइनेंस स्वच्छ भारत इनिशिएटिव, सरचार्ज ऑफ 10% इज लिवाइड इफ इनकम इज मोर देन 50 लाख, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इनइक्वालिटीज, इनकम इनइक्वालिटीज को घटाने के लिए क्या करते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं इनकम्स पे, ठीक है, टैक्स पे टैक्स लगा देते हैं। जैसे इनकम टैक्स तो है उसके ऊपर, वो टैक्स लगा देते हैं ताकि हम इनइक्वालिटीज को कम कर सकें, ठीक है। सरचार्ज में क्या होता है, देर इज़ नो नीड टू स्टिपुलेट द पर्पज। अब स्टेट का क्या कंसर्न है, स्टेट चाह रही है कि परमानेंट नेचर तो बिल्कुल ना हो, पता चले हमेशा हम देते रहें। ये कह रही है कि या तो इस टैक्स को एलिमिनेट कर दिया जाए, और अगर इन्होंने कंटिन्यू रखना ही है कुछ पीरियड के बाद भी, तो कुछ ना कुछ हमें भी पार्ट देना चाहिए। सेंटर यूजिंग सेस एज अ टूल टू एंटर एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ द स्टेट। सेंटर ऐसे सेस यूज़ करके जो स्टेट के डोमेन के, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कहीं ना कहीं एंटर कर रही है, जैसे एग्रीकल्चर पे सेस लगा दिया कृषि कल्याण सेस, और सैनिटेशन पे लगा दिया स्वच्छ भारत सेस। नेक्स्ट न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वांट्स ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म कंटेंट अंडर इट्स परव्यू। अभी क्या है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये अभी परव्यू में नहीं है। जैसे आपके जब मूवीज़ रिलीज़ होती हैं थिएटर में, वो पहले सेंसर बोर्ड पे जाती हैं, वहाँ से रिव्यू होती हैं, उसके बाद रिलीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट OTT प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म दैट आर डिजिटली स्ट्रीम फॉल्स अंडर द डोमेन, ये किसके अंडर फॉल होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। OTT में क्या होता है, फिल्म टेलीविजन कंटेंट है जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है रैदर देन केबल और सैटेलाइट प्रोवाइडर।
रिसेंटली लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ, सेवरल OTT प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, उन्होंने बहुत ज़्यादा जंप किया, सब्सक्रिप्शन लोगों के बहुत आया। हाउएवर इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है OTT प्लेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। OTT ना कवर होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अंडर भी कवर नहीं होती। हमारी 5 डिफरेंट मीडिया, प्रिंट, रेडियो, TV, फिल्म्स, OTT, इसमें से जो 4 है ना वो कवर हैं, लेकिन OTT अभी तक अनरेगुलेटेड है। 2018 में बात हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने OTT मीडिया सर्विसेज को बोला था कि वो अपने आप को रेगुलेट करें। इन परसुएंस ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड कोड फॉर द सेल्फ रेगुलेशन फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम खुद सेल्फ रेगुलेट करेंगे। इट प्रोहिबिटेड कंटेंट विच प्रमोट्स एंड एनकरेज डिसरिस्पेक्ट, ये वो उस कंटेंट को प्रोहिबिट करती है जो भी आपकी सॉवरेनिटी को डिसरिस्पेक्ट करें या इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचाए या फिर टेररिज्म को एनकरेज करें या भी किसी वायलेंस को एनकरेज करें। सर्टेन प्रोविजन है IPC कोड, IPC 1860, IT एक्ट, जो एप्लीकेबल है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, UN की एक रिपोर्ट आई है, एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज आर जूनोटिक। उन्होंने बोला है UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने और इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बोला है कि आजकल जितने भी बीमारियाँ आ रही है ना वो मेनली क्या हैं, जूनोटिक हैं। जूनोटिक क्या होती हैं, जो डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, जैसे इबोला, मलेरिया, रेबीज, COVID-19, सारी जूनोटिक हैं। हाइलाइट्स क्या है कि 60% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन आर एस्टिमेटेड टू हैव एन एनिमल ओरिजिन। फर्दर 75% ऑफ एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज आर द जूनोटिक। अब 7 एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए कि क्यों जूनोटिक डिजीज इतनी क्यों फैल रही हैं, जो ये भी ह्यूमंस की वजह से ही फैल रही हैं, जैसा ज़्यादा एनिमल प्रोटीन को यूज़ करना डिमांड है, राइजिंग इंटेंस एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग, नेचर का ख्याल हम रखते नहीं हैं, यूज़ एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का पूरा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, चेंज इन फूड सप्लाई चेन एंड क्लाइमेट चेंज डिजीज, ये कुछ 7 फैक्टर्स हैं जो जूनोटिक डिजीज का इंक्रीज होने में एक फैक्टर है। अब एमर्जिंग जो जूनोटिक डिजीज थ्रेटन कर रही है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एनवायरनमेंट को, रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया जो वन हेल्थ अप्रोच, उसमें यूनाइट किया पब्लिक हेल्थ को, वेटरनरी, एनवायरमेंटल एक्सपर्टाइज एज द ऑप्टिमल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एज वेल एज रिस्पॉन्डिंग टू जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक। इसमें क्या किया है, देखो वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या है कि हर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लाइक नेचर भी, एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए जो वन हेल्थ अप्रोच है उसमें हमने यूनाइट किया है किस किस को, पब्लिक हेल्थ को, वेटरनरी को और एनवायरमेंट एक्सपर्टाइज को, कि हम प्रिवेंट कर सकें ये जूनोटिक डिजीज के आउटब्रेक्स को। रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है कि कैसे हम जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इंक्वायर कर सकते हैं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं या बायोसिक्योरिटी और कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ और न्यूज़ में जो 5-6 न्यूज़ है देख लेते हैं। सेंटर वुड नॉट एक्सेस डेडलाइन फॉर इक्वलाइजेशन लेवी ऑन फॉरन ई-कॉम फॉर्म। पहले तो आप देखो इक्वलाइजेशन लेवी होता क्या। इक्वलाइजेशन लेवी एक डायरेक्ट टैक्स है, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स कंपनीज होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स की, और जो कि मेनली जो फॉरेन कंपनीज की, जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज हैं उन पे लगा जाता है जिनकी इनकम 1,00,000 पर ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, 2021 बजट में बोल दिया था इट वॉज वाइडन बाई इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, अब इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को भी ऐड कर दिया दैट सेल, क्योंकि वो 2 करोड़ से ज़्यादा, मतलब कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स और गुड सर्विसेज को इंडियन कस्टमर्स को बेचती हैं। फॉर दिस पर्पज़ टैक्स कितना रेट है, 2%, एंड ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ गया। ठीक है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अब ये क्या है, ये US ने 2017 में इनेक्ट किया था, लाइक अब अमेरिका के ऊपर आप कुछ कर रहे हो, मतलब कि जिससे अमेरिका पे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़े तो अमेरिका उसको काउंटर करने के क्या लगाएगी, कुछ सेंक्शन लगा देगी। ठीक है, ये US ने 2017 में किया था। इसमें क्या किया था, इसने काउंटर द एग्रेशन, ईरान का एग्रेशन को काउंटर करने के लिए, रशिया का, नॉर्थ कोरिया का, तो उसने क्या कर दिया था, कुछ पनिटिव मेजर्स लगा दिए थे। इट स्टिमुलेट्स प्यूनिटिव एक्शन दैट US कुड प्लेस ऑन अ कंट्री कंडक्टिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन
कुछ डिफेंस, एनर्जी, ऑयल पाइपलाइन, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी विद एनी ऑफ द यूएस एडवर्सरी, किसी पे भी वो सिग्निफिकेंट सेंक्शन लगा देते हैं। अभी यूएस ने देखा है कि डिस्पाइट द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद चाइना एट द, अभी इंडिया और चाइना का आपको पता ही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ हो रहा था, अब इंडिया ने क्या किया, रशिया से क्या लिए, आर्म्स लिए हमने, तो इंडिया ने सॉरी यूएसए ने उस पर भी सेंक्शन लगा दिया अंडर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या, अगर आप रशिया से या ईरान या नॉर्थ कोरिया से कुछ खरीद रहे हो तो इससे आप अमेरिका पे कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट कर रहे हो। खरीदना है तो भाई हमसे खरीदो, हमारे दुश्मन से क्यों खरीद रहे हो? इसलिए यूएसए ने इंडिया पे ये सेंक्शन लगा दिया। कुवैत अप्रूव्स एक्सपेक्ट क्योटा बिल, अब ये क्या है? सी, ये क्योटा सिस्टम कुवैत ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर एम्प्लॉइंग फॉरनर्स इन कुवैत, ताकि हम क्या कर सकें, कुवैत में क्या है कि फॉरनर्स के वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे क्या करेंगे, अब कुवैत ने ये बिल पास कर दिया है, इससे क्या होएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कुवैत में जो फॉरनर्स काम कर सकते हैं दे शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस वजह से जो इंडिया की प्रेजेंस है कुवैत में वो 7 से 8 लाख घट जाएगी, जिस पे इंडिया की रेमिटेंस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया ये बिल क्या है। ये बिल कुछ नहीं है, सीधा ये है कि सिर्फ जितने भी जो हमारे वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं उन सबको वहाँ से अब भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से अब सिर्फ जो 15% ही फॉरेन जो नेशनल्स हैं वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। दैट्स इट। गोल्डन बिल्डविंग, इसका आप साइंटिफिक नेम देखो, ट्रॉयडस एकस, ये हिमालय की बटरफ्लाई और इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई बन चुकी है। इससे पहले साउथर्न की बिल्डविंग थी वो लार्जेस्ट थी 88 ईयर से। ये जो फीमेल है, जो फीमेल गोल्डन बिल्डविंग है, ये उत्तराखंड के दीदी हाथ से मिली है, और जबकि इसी मेंबर का जो मेल मेंबर है वो शिलोंग मेघालय से मिला है। इसका जो विंग स्पैन है वो 194 मिलीमीटर का है। शिफ्टिंग सीजन ऑन द सिबेरियन स्टीप, नासा ने कैप्चर किया है सीजनल चेंज कहाँ पे, रशिया के कुलुन स्टीप से। स्टीप क्या है, एक टेम्परेट ग्लास लैंड है जिसमें ड्राई और ग्रासी प्लेन होते हैं। स्टीप क्या होता है, सेमी एरिड एरिया होता है जो कि 25 से 50 सेंटीमीटर की रेन एक साल में लेता है। लार्जेस्ट टेम्परेट ग्लास लैंड वर्ल्ड का कौन सा, यूरेशियन स्टीप। देखो गाइस थोड़ा याद रखना कि लार्जेस्ट टेम्परेट ग्लास लैंड कौन सा है, यूरेशियन का स्टीप जो कि हंगरी से चाइना तक एक्सटेंड होता है। स्टीप्स आर गार्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, पूछ सकते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, दैट इज़ अ स्टीप। और स्टीप्स क्या, टेम्परेट ग्लास लैंड, ठीक है, और स्टीप्स क्या, सेमी एरिड एरिया। इंडियन रेलवे ने क्या बोला है, टू बी द नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030। इंडियन रेलवे 2030 तक नेट जीरो इमिशंस कार्बन इमिशंस का मास नेटवर्क बनेगा। इंडियन रेलवे सोच रहा है कि रेलवे स्टेशन को सोलराइज कर दिया जाए, ताकि वो क्या करेगा, जो अपने वैकेंट लैंड है उसको यूटिलाइज करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। विद दिस इट वुड बिकम द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी एनर्जी सेल्फ सफिशियंट। ठीक है, मून इज मोर मेटेलिक देन थॉट बिफोर, नासाज लूनर रिकॉनेसिस ऑर्बिटर। इसका मतलब ये है कि जो मून का सब सरफेस है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मेटल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन और टाइटेनियम देन थॉट बिफोर, मतलब कि जितना हमने पहले कभी सोचा था कि इतने क्वांटिटी में मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन और टाइटेनियम पाया गया है। इसका मतलब यह है कि अर्थ क्रस्ट में लेसर अमाउंट है आयरन ऑक्साइड देन द मून। दिस क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर थ्योरी अबाउट द मून क्रिएशन, अभी मून की क्रिएशन पे कुछ थ्योरी को क्वेश्चन करती है, दैट अ मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट कोलाइडेड विद न्यूली फॉर्म्ड अर्थ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ब्रेकिंग ऑफ अ पीस ऑफ आर प्लैनेट दैट वेंट टू बिकम इट्स सैटेलाइट। इसका कहने का मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है कि बहुत साल पहले जब मार्स का साइज का कोई प्रोटोप्लैनेट होगा वो अर्थ से टकराया होगा 4.5 बिलियन एकड़, और उसमें से ना कुछ एक टुकड़ा जो है ना वो ब्रेक हो गया होगा और वही हमारी सैटेलाइट दैट इज वो मून बन गया। ये एक थ्योरी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं अब डेली करंट अफेयर लाऊंगी रीजन के। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।